हिंद को तुम पर नाज है पीवी सिंधु, जहां विश्व वरीयता पर पांचवें नंबर पर इंडियन पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। क्या शानदार मैच खेला और उन्होंने एक जापानी खिलाड़ी को हरा दिया। मगर एक तरफ जहां पीवी सिंधु भारत के लिए गर्व का सबब बन रही हैं, वहां उत्तर प्रदेश एक बार फिर हमें शर्मसार कर रहा है। जी हां, पीवी सिंधु सिर्फ 37 मिनट्स में उन्होंने जापानी खिलाड़ी को हरा दिया। हम आपको बता दें कि उन्होंने पहला सेट 21-7 से जीता सिर्फ 16 मिनट में, और दूसरा सेट भी इसी अंतर से जीता, और जापानी खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को उन्होंने हरा दिया। तो एक तरफ जहां पीवी सिंधु हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर रही थी, मगर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से आ रही थी एक शर्मिंदा करने वाली खबर। इस भीड़ का आक्रोश याद है आपको? यह तस्वीर याद है आपको? याद नहीं तो बता दूं, यह हैं सुबोध कुमार सिंह, एक पुलिस अफसर जिनकी कोशिशों की बदौलत बुलंदशहर की हिंसा एक बड़े सांप्रदायिक दंगे में तब्दील नहीं हुई, मगर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा सुबोध कुमार सिंह को जब उसे भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। जी हां, और अब 7 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। 7 आरोपियों को रिहा? उत्तर प्रदेश पुलिस ने आखिर कैसा केस बनाया कि उन्हीं के एक साथी की हत्या होती है और फिर बाद में ये सातों के सातों बेल पर रिहा भी हो जाते हैं? मगर मामला ये नहीं है दोस्तों। इस शख्स पर गौर कीजिए, नाम है इसका शिखर अग्रवाल। ये है बुलंदशहर हिंसा का आरोपी, सुबोध कुमार सिंह की हत्या का आरोपी। जब यह रिहा हुआ तो उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। बात यहां तक सीमित नहीं थी, उसके बाद भीड़ जो उसके साथ खड़ी थी उसने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे तक लगाए। सुनिए। जय श्री राम, मातरम, 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 जय भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। तो शनिवार शाम रिहाई हुई, नारे लगे भारत माता की जय, जय श्री राम के, सेल्फी खिंचवाई गई, और समाज को ऐसे ही तो हीरो चाहिए ना, क्यों? यही नहीं दोस्तों, शिखर अग्रवाल जेल में जाने से पहले उसने यह बात कही थी, इसने दो बातें कही थी, सुबोध कुमार सिंह पर हमला यानी कि उसके बारे में अनाप शनाप बातें, और दूसरा योगी सरकार में अटूट विश्वास। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि शाने का बच्चा बच्चा जानता है कि सुबोध कुमार सिंह कितने ज्यादा करप्ट और कैसे इंसान थे, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से यारी करके हमारी माताओं पर प्रहार करवाया है। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे सरकार जांच कर ले, मुझे योगी सरकार पे, उत्तर प्रदेश सरकार पे, प्रदेश सरकार पे पूर्ण रूप से भरोसा है। अटूट विश्वास क्यों? अटूट विश्वास इसलिए दोस्तों कि जब सुबोध कुमार सिंह की हत्या होती है और अगले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार का बयान आता है, मगर आप जानते हैं पहले बयान में क्या लिखा होता है? पहले बयान में यह लिखा होता है कि गाय के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी होगी और इस संदर्भ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस पहले बयान में दोस्तों कहीं पर भी सुबोध कुमार सिंह का जिक्र भी नहीं था। मीडिया में थोड़ी सुगबुगाहट होती है और शर्मिंदा होकर योगी सरकार एक और बयान जारी करती है जिसमें वो कहती है कि हम जल्द सुबोध कुमार सिंह के परिवार से मिलेंगे। मुलाकात भी हुई दोस्तों, परिवार को नोएडा से लखनऊ बुलाया गया, पीड़ित परिवार को। यही नहीं, इन तस्वीरों से स्पष्ट हो रहा है कि योगी जी मानो मिलकर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। वो एक कोने पर बैठे हुए हैं और परिवार दूसरे कोने पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों मानता हूं कि योगी सरकार सुबोध कुमार सिंह के परिवार के साथ एहसान कर रही थी, और आखिर क्यों हत्या के आरोपियों को योगी सरकार पर अटूट विश्वास है। आज से कई महीनों पहले, करीब 9 महीनों पहले जब यह घटनाक्रम हुआ था तो हमने यहां न्यूज क्लिक पर एक कार्यक्रम किया था, कुछ मुद्दे मैंने उठाए थे, आज वो एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप समझ जाएंगे कि मामला क्या है। इस बात का जिक्र हम बोल के लब आजाद हैं तेरे के कल के एपिसोड में कर चुके हैं कि किस तरह से
कल जो आधिकारिक मीटिंग हुई और उसमें जो प्रेस रिलीज जारी हुआ, उस प्रेस रिलीज में सुबोध कुमार सिंह, मरहूम सुबोध कुमार सिंह का नाम तक नहीं था। उसमें आपने गोकशी की बात की, भीड़ में मारे गए एक शख्स सुमित के परिवार को 11 लाख रुपए देने की बात की, जो अच्छी बात है, क्योंकि भाई जब कोई त्रासदी होती है तो आप जरूर उन्हें सहायता दें, पैसे की सहायता दें, मगर सुबोध कुमार सिंह का नाम तक नहीं था। अब चलिए बात करते हैं उस शख्स की जिसे मुआवजा दिया गया है। सुमित नाम है इसका। आप इस वीडियो में देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुमित जो है वो पत्थर चला रहा है, पत्थर मार रहा है। और अब इसी वीडियो के आगे वाले अंश को आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि सुमित को गोली लग पड़ी है, गोली लग गई है और उसके बाद सुमित की मौत हो जाती है। सब गए, गए सब गए, गए गए, गए सब गए, गए सब गए, गोली मार दी, गोली मार दी। एक बहुत बड़ी त्रासदी। और देखिए, सुमित हमारे बीच नहीं है, मगर उसके दर्द को अब उसका परिवार झेलेगा कई सालों तक। मगर यह गलत बयानी की गई थी कि सुमित जो है वो स्टेशन छोड़ने किसी को गया था और वो प्रोटेस्टर्स में शामिल नहीं था। तो आपने देखा कि कल किस तरह से सुमित को, तो आपने आधिकारिक रिपोर्ट में आपने उसका जिक्र किया अपने आधिकारिक प्रेस रिलीज में, मगर सुबोध कुमार सिंह का नाम तक नहीं था। मेरे कुछ सवाल हैं दोस्तों। शिखर अग्रवाल का स्वागत करने सिर्फ उसके दोस्त या उसके संगठन के लोग क्यों आए? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके एमएलएस को भी आना चाहिए था शिखर अग्रवाल का स्वागत करने, क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब शंभूलाल रेगर ने एक बेबस बांग्ला भाषी श्रमिक को जिंदा जला दिया था, तब उसके पक्ष में एक बहुत बड़ा हुजूम सामने आया था। जी हां, उसके शहर के कई लोगों ने उसके पक्ष में इस तरह की रैलियां निकाली थी। यही नहीं, अखलाक की हत्या के जो आरोपी थे, जब उनमें से एक शख्स की मौत हुई थी तो उसके शव को तिरंगे से लिपटा गया था, याद है आपको? हत्यारों का सम्मान कोई और नहीं, सांसद और मंत्री महेश शर्मा कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान योगी जी की रैली के सबसे आगे वाली पंक्ति में अखलाक की हत्या के आरोपी बैठे हुए थे और वो योगी योगी के नारे लगा रहे थे। तो फिर शर्मिंदगी क्यों है आपको? शिखर अग्रवाल का भी आप वैसे ही सम्मान करते? गलत कहा मैंने? न्यूज चक्र में अब बारी है देश की इकोनॉमी के बारे में बात करने की। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम अपने हर एपिसोड में इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के किसी ना किसी पहलू की चर्चा करते हैं, मगर आज मैं चाहता हूं आप इन चेहरों पर गौर कीजिए। जिन्हें नाज था हिंद पर, वो कहां हैं? चेहरा नंबर एक किरण बेदी, चेहरा नंबर दो विनोद राय, चेहरा नंबर तीन चेतन भगत, चेहरा नंबर चार श्री श्री रविशंकर, इसके बाद रामदेव और अनुपम खेर। मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 से पहले इन्होंने डॉलर के बारे में और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा था। मैं डॉलर का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डॉलर के मुकाबले इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रुपए की कीमत हो गई है 72। साल 2013 में यह है ट्वीट किरण बेदी का, क्या कह रही है वो? डॉलर ऑन एस्केलेटर, रुपी ऑन वेंटिलेटर, फाइल्स इन लॉकर, न्यूज मीडिया ऑन शॉकर्स, सम इन बिजनेस गोइंग बॉन्कर्स। किरण जी, मैं आपको याद दिला दूं कि अब से कुछ ही दिनों पहले कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त आप कह रहे थे बिजनेसमैन इन बॉन्कर्स, यहां तो बिजनेसमैन आत्महत्या कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आत्महत्या कर रहे हैं। यही नहीं किरण जी, बाकायदा बिजनेसमैन को चेतावनी दी जाती है कि आप इनकम टैक्स विभाग की आलोचना ना करें। किरण मजुमदार शॉ याद है? जी हां, आप ही का नाम है, किरण इनका भी नाम है। इन्हें चेतावनी दी गई थी कि अगर आपने इकोनॉमी के बारे में या इनकम टैक्स विभाग के बारे में कुछ कहा तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब इस शख्स पर गौर कीजिए, अनुपम खेर। मेरे हिसाब से इनसे बड़ा फर्जी राष्ट्रवादी मैंने आज तक नहीं देखा दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें करना, अमरीका में बैठ के कमाई करना, अपनी फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को ये बाकायदा पाकिस्तान में प्रमोट करते हैं और हमें राष्ट्रवाद का संदेश देते हैं। इन्होंने क्या कहा था?
23 मई को 2012 को जल्द रुपया सीनियर सिटीजन हो जाएगा और अब 72 तक पहुंच गया है। अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही इकोनॉमी में। अब हम बात करते हैं श्री 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 न जाने कितने श्री डबल श्री रविशंकर की बात। जी हाँ, और इन्होंने क्या कहा था हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने कहा था, इट इज रिफ्रेशिंग टू नो दैट द रुपी विल गेट स्ट्रॉन्गर एट रुपीज 40 पर डॉलर इफ मोदी कम्स टू पावर। यानी कि अगर मोदी जी सत्ता में आ जाए तो डॉलर के मुकाबले रुपए 40 रुपए हो जाएगा। श्री श्री भूल गए हैं क्या, या इन्हें नींद से जगाने की जरूरत है? और मान्यवर चेतन भगत जी हाँ, क्या कहा था इन्होंने, तारीख 20 जून 2013, रुपी एट 60, इट इज मेहम, क्लोज टू एन इकोनॉमिक क्राइसिस, बट वेल द गवर्नमेंट इज साइलेंट। नो मिस्टर चेतन भगत, द गवर्नमेंट इज नॉट साइलेंट, द गवर्नमेंट डज नॉट बिलीव दैट देयर इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस, बट यू मिस्टर चेतन भगत इज साइलेंट, आप खामोश हैं। सरकार तो कह रही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है ही नहीं। निर्मला जी की माने त्राहिमाम मचा हुआ है बिजनेस कम्युनिटी में, मगर इन्हें नहीं लगता कि कोई समस्या है। मगर ये तमाम लोग जिन्होंने हमें मूर्ख बनाया था, मसलन ये शख्स रामदेव जी, जी हां, इनकी अपने पतंजलि का जो बिजनेस है वो बद से बदतर होता जा रहा है। शहरों में सफर कर रहा है, गांव में सफर कर रहा है, इनका अपना बिजनेस बर्बाद हो रहा है। इन्होंने हमें बड़ी बड़ी बातें कही थी कि काला धन आएगा, इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। अब ये पूरी तरह से खामोश हैं, मानो किसी ने जिप लगा दिया हो इनके होठों पर। इन सब ने हमारे साथ, इस देश की जनता के साथ विश्वासघात किया था। किया था कि नहीं किया था मित्रों? हम आपसे क्यों कह रहे हैं हालात खराब है दोस्तों, क्योंकि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार का यह बयान बहुत अहमियत रखता है। वो क्या कहते हैं, राजीव कुमार ने कहा, पिछले 70 सालों में किसी ने ऐसी परिस्थिति नहीं देखी जहां सारा वित्तीय क्षेत्र उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और निजी क्षेत्र में कोई भी दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा, कोई भी किसी को कर्ज देने को तैयार नहीं है, सब नकद दबा कर बैठे हैं। उन्होंने दिल्ली के कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस जड़ता वाली स्थिति को तोड़ने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मगर हुआ क्या, शायद इन्हें कॉल आ गया होगा ऊपर से और फिर उन्होंने कहा कि मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तो एक तरफ हकीकत आपके सामने मुंह बाहे खड़े है और दूसरी तरफ हकीकत बोलने वालों को इस कदर डराया जाता है। शायद यही वजह है कि जिन महानुभवों का मैंने जिक्र किया सब खामोश हैं। आप भी खामोश रहिए। खैर, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र और अब बात करना चाहेंगे हम कश्मीर की। दोस्तों, कश्मीर में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को, ऑल इज वेल। सत्यपाल मलिक जो कि राज्यपाल हैं इस वक्त, वो राहुल गांधी को बोलते हैं कि आप आइए और देखिए अपने आप कि हालात ठीक है नहीं। राहुल गांधी पहुंचते हैं और श्रीनगर एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस कर दिया जाता है। जी हां, इस तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं भारत के प्रजातंत्र को कमजोर तरीके से पेश किया जा रहा है। सवाल ये कि अगर हमें इस तरह का ड्रामा करना था तो हमने बुलवाया है कि राहुल गांधी को वहां पर। मगर उससे भी बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह है एक सिविल सर्वेंट, इनका नाम है कन्नन गोपीनाथन, केरला के सिविल सर्वेंट हैं, वो अब अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। मगर इस्तीफा देते हुए वो क्या कह रहे हैं मैं चाहता हूं आप सब देखें। कन्नन गोपीनाथन कहते हैं, जब कोई पूछेगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने एक पूरे राज्य पर बैन लगा दिया, लोगों के मौलिक अधिकार भी छीन लिए, तब आप क्या कर रहे थे, मैं कह सकूंगा कि मैंने विरोध में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। और अब हो क्या रहा है दोस्तों, हो यह रहा है कि जो भी कोई कश्मीरियों की आवाज की चर्चा भी करना चाह रहा है उसे देशद्रोही बताया जा रहा है, उसके बारे में अनाप शनाप गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ एक लिंच करने वाले मॉब को पैदा किया जा रहा है। यह हालत है साल 2019 में हमारे देश का, प्रजातंत्र का। और इसमें शामिल कौन है, इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या उसकी सहयोगी संस्था के प्रोपेगेंडा मशीनरी शामिल नहीं है, इसमें शामिल हैं मुख्य धारा के मीडिया में काम करने वाले पत्रकार भी, जिनका काम होता है सरकार से सवाल करना,
अब वो ये कह रहे हैं कि सरकार पर भरोसा कीजिए। वो सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मगर यहां न्यूज चक्र में दोस्तों हम तो सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि सवाल पूछे जाएंगे तो प्रजातंत्र में एक ऊर्जा बनी रहती है, एक स्फूर्ति बनी रहती है। जिस दिन सवाल बंद हो जाएंगे प्रजातंत्र भी खत्म हो जाएगा। आप सबसे मेरी अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।